हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। टुडे माय टॉपिक इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और टॉपिक क्या चल रहा है? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एल्डोल कंडेंसेशन पे बात किया था। एल्डोल कंडेंसेशन दो टाइप के हैं, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। और सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, इन दोनों का जनरेटेड क्या है? अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है, उस हाइड्रोजन का नेचर क्या होता है? एसिडिक होता है। फॉर एग्जाम्पल, सी डबल बॉन्ड ओ एक कार्बोनियल ग्रुप है, और इस कार्बोनियल ग्रुप के बाद वाला कार्बन को हमने क्या बोला? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हमने क्या बोला? अल्फा हाइड्रोजन। यह अल्फा कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन है, और इस अल्फा हाइड्रोजन का नेचर क्या है? एसिडिक है। और इसका नेचर एसिडिक होने की वजह से यह एल्डोल प्रोडक्ट बनाता है। कंडेंसेशन का मतलब इलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। जो एल्डोल बनता है उससे वाटर का मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है, इसलिए उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। और एल्डोल कब बनेगा? जब इसको एल्कलाई बेस के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तब। और एल्डोल दो वर्ड से बना है, एल्डोल, ध्यान दीजिएगा कि एल्डोल, एल्डोल का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड प्लस अल्कोहल, ये दो वर्ड आता है इसमें, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है एल्डोल। और एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन का रिलेशन होता है, कंडेंसेशन का रिलेशन किससे है? इलिमिनेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल से होता है। किस रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल इलिमिनेट होता है, जिसके वजह से हम जो है इसको एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन का नेचर एसिडिक है, और यह एसिडिक नेचर क्यों हुआ? इसके एसिडिक नेचर होने का रिस्पांसिबल यह कार्बोनियल ग्रुप है, और इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। इस कार्बोनियल ग्रुप का नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। यह अपने एडजेसेंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और यह अल्फा कार्बन इलेक्ट्रॉन की कंपेंसेट को कंप्लीट करने के लिए यह हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रोटेट करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनता है एल्डोल। तो हम आज की क्लास में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन पर डिस्कस करेंगे। अब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, पहले इसका डिफिनेशन जान लिया जाए, तब उसके बाद से हम रिएक्शन लिखेंगे। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में इट कैन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड। इट कैन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड और टू डिफरेंट कीटोन। इट कैन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट एल्डिहाइड आर टू डिफरेंट कीटोन आर वन एल्डिहाइड आर वन एल्डिहाइड आर वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन आर वन कीटोन इज कॉल्ड
मिस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, मिस्ड एल्डोल कंडेंसेशन आर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, आर क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ध्यान दीजिएगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन में क्या बताया था कि सेम एल्डिहाइड या सेम कीटोन अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। सेम एल्डिहाइड हो या सेम कीटोन हो या सोडियम हाइड्रॉक्साइड के प्रेजेंस में कंडेंस होकर के एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ पैटर्न वही है लेकिन थोड़ा चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया है कि टू डिफरेंट एल्डिहाइड आर टू डिफरेंट कीटोन, टू डिफरेंट एल्डिहाइड आर टू डिफरेंट कीटोन, आर वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो जो एल्डोल का फॉर्मेशन करेंगे उसको बोलते हैं मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। एक टर्म और इसमें हम ऐड कर रहे हैं, इफ बोथ ऑफ देम, इफ बोथ ऑफ देम कंटेन, इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट, इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट। अगर दोनों एल्डिहाइड, दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड, दोनों डिफरेंट कीटोन, या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, एक डिफरेंट एल्डिहाइड डिफरेंट कीटोन, अगर दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है तो ये फोर टाइप के प्रोडक्ट को प्रिपरेशन करता है। फॉर एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ, फॉर एग्जांपल ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल, ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, ए मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल इट गिव्स ए फोर प्रोडक्ट, इट गिव्स ए फोर प्रोडक्ट। कैसे फोर प्रोडक्ट दे रहा है, रिएक्शन लिखते हैं कि सी एच थ्री सी एच ओ, सी एच थ्री सी एच ओ एंड प्लस सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ, इसको बोलते हैं एथेनॉल। और यह क्या हमारे पास प्रोपेनॉल है, ये एथेनॉल है, दूसरा क्या है प्रोपेनॉल है। इनका रिएक्शन हम बेस में के प्रेजेंस में कराते हैं सोडियम हाइड्रॉक्साइड के प्रेजेंस में। तो अब जानते हैं जब हम एथेनॉल और प्रोपेनॉल का रिएक्शन कराते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ रिएक्टेंट के तौर पे सिर्फ एक एल्डिहाइड का मालिक्यूल हो और एक प्रोपेनॉल का मालिक्यूल हो। बहुत सारे एल्डिहाइड एथेनॉल के मालिक्यूल होंगे, बहुत सारे प्रोपेनॉल के मालिक्यूल होंगे। तो पहले सी एच थ्री सी एच ओ, एक सी एच थ्री सी एच ओ दूसरे सी एच थ्री सी एच ओ से रिएक्शन करता है, पुनः सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ का एक मालिक्यूल सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ के दूसरे मालिक्यूल से रिएक्शन करता है। फिर उसमें क्रॉस लिंकेज दिखाते हैं हम, सी एच थ्री सी एच ओ का एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा सी एच थ्री
CH2, CH3, CHO, CH2 एंड प्लस, अब इसका जो है सेल्फ हेल्डोन कंडेंसेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 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 CH2
प्रोडक्ट बनाएगा CH3 CH2 COH CHOH, इसकी अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को जो है यह एडाप्ट कर लिया CH3CH। अब यहाँ क्या मिलेगा हमारे पास कि CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, मतलब इसका एक मालिकूल दूसरे मालिकूल से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट हमारा यह बना दिया। अब प्रोडक्ट बना दिया तो इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि CH3 CH2 CH OH CH CH3 और इसी के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा C डबल बॉन्ड OH। मतलब यह हो गया हमारा एक एल्डिहाइड दूसरे एल्डिहाइड से, मतलब एक एथेनॉल दूसरे एथेनॉल से रिएक्शन किया, एक एथेनॉल दूसरे एथेनॉल से रिएक्शन किया तो यह प्रोडक्ट बनाया, एक प्रोपेनॉल दूसरे प्रोपेनॉल से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट हमारा यह बनाया। एक एथेनॉल दूसरे एथेनॉल से, एक एथेनॉल का मालिक्यूल दूसरे एथेनॉल के मालिक्यूल से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट यह बनाया, और प्रोपेनॉल का एक मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल से रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट हमारा यह बनाया। अब इसमें देखिए, इफ बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन तो इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट। यह ध्यान देने वाली चीज है, एक प्रोडक्ट हमारा यह हो गया, दूसरा प्रोडक्ट हमारा यह हो गया। अब इसमें देखिए इंटरचेंजेबल कर रहे हैं इसको, CH3 CH OH CH3 CH OH, इस टर्म को छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इस टर्म को यहाँ पे लेकर आइए कि CH CH CH3 C डबल बॉन्ड OH, यह तीसरा प्रोडक्ट हो गया, यह जो है तीसरा प्रोडक्ट हो गया। यह पोर्शंस, इस प्रोडक्ट का इतना पोर्शन और इस प्रोडक्ट का इतना पोर्शन, ये दोनों को जोड़ करके हमने एक प्रोडक्ट बना दिया। अब यहाँ पे देखिए प्लस CH3, इसको देखेंगे CH3 CH2 CH OH, अब इस टर्म को यहाँ पे रखिए तो जाएगा CH2 CHO, ये दूसरा चौथा प्रोडक्ट हो जाएगा, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, चौथा प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के कंडेंसेशन को बोलते हैं हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और एस्टोफिनोन को देखते हैं, इसमें तो दोनों अल्फा कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, इसमें यह इथेनॉल में हमारा यह अल्फा कार्बन है और प्रोपेनॉल में हमारा यह अल्फा कार्बन है, तो बोथ ऑफ देम कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, दोनों क्या है अल्फा हाइड्रोजन से कंटेन है, तो इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ फोर प्रोडक्ट। अगला रिएक्शन देखते हैं C6H5 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH3 C डबल बॉन्ड OH C6H5, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, इसको बोलेंगे हम बेंजल्डिहाइड। यह हमारा क्या, एस्टोफिनोन, एसिटोफिनोन, यह बेंजल्डिहाइड और क्या हमारे पास एस्टोफिनोन है। तो इस एस्टोफिनोन में तो अल्फा कार्बन है, एस्टोफिनोन में अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन बेंजल्डिहाइड में अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, तो यह फोर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। अब देखिए कैसे, यह अल्फा कार्बन तो हाइड्रोजन को पूरी तरह अट्रैक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, तो आंसर है NaOH के प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, C6H5C
CHOH या ऑक्सीजन इस अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को शिफ्ट कर लिया तो C6H5CHOH एंड देन CH2 सी डबल बॉन्ड ओ C6H5 इसका डिहाइड्रेशन कर दीजिए, वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। जब वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे यहाँ लिखेंगे डिहाइड्रेशन DEHY DRATIOH डिहाइड्रेशन कर देंगे तो यह OH और यह H इसमें का हाइड्रोजन और यह OH निकल के क्या बन जाएगा -H2O हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा हमको तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH एंड C डबल बॉन्ड O C6H5 यही प्रोडक्ट बनेगा ना। इसका OH और इसका H निकाल देंगे तो -H2O निकल जाएगा तो C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C6H5 पढ़ेंगे क्या इसको 1, 2, 3 यहाँ पे कीटोन जुड़ा हुआ है तो पढ़ेंगे 1,3-diphenyl 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 मेथ 8 प्रोप प्रोप 2-in-1-own प्रोप 2-in-1-own प्रोप 2-in एंड प्रोप 2-in-1-own हो जाएगा। तो यह हमारा जो है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंट मालिक्यूल का एल्डिहाइड होना चाहिए, डिफरेंट मालिक्यूल का कीटोन होना चाहिए, या एक एल्डिहाइड का मालिक्यूल होना चाहिए या एक कीटोन का मालिक्यूल होना चाहिए। अगर इनका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो जो हमारा एल्डोल बनता है उसी एल्डोल को हम बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। कैनिजारो रिएक्शन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, अब कैनिजारो रिएक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्या जरूरत हमको कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने के लिए। तो कैनिजारो रिएक्शन का यूज तब होता है जब कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अगर अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वह हमारा न तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा और न तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ही दिखाएगा। उस कंडीशन में वह दिखाता क्या है कैनिजारो रिएक्शन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन न हो तो वह जो है कैनिजारो रिएक्शन दिखाता है। इसमें देखिए भी है कि एल्डिहाइड विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कंटेन ना हो, और जब उस एल्डिहाइड का ट्रीटमेंट कॉन्सेंट्रेट एल्कलाई सॉल्यूशन से करते हैं, यानी वह एल्डिहाइड रिएक्शन करता है आपस में किसके प्रेजेंस में, तो कॉन्सेंट्रेट एल्कलाई सॉल्यूशन के प्रेजेंस में, तो उसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है उसी एल्डिहाइड में सेल्फ ऑक्सीडेशन और सेल्फ रिडक्शन होता है। एल्डिहाइड का एक मालिक्यूल रिड्यूज होता है अल्कोहल में, जबकि एल्डिहाइड का दूसरा मालिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में। दिए भी हैं एज ए रिजल्ट ऑफ वन मालिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड रिड्यूज इन टू द अल्कोहल एंड अदर मालिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इन टू द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन। यह देखिए यच सी डबल बॉन्ड ओ यच यह फॉर्मलिडिहाइड है, इसमें न तो अल्फा कार्बन है न तो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये रिएक्शन करता है
सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में कितना अमाउंट होगा इसका 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में अगर यह रिएक्शन करेगा तो इसका एक मालिक्यूल इस फॉर्मेल्डिहाइड का एक मालिक्यूल रिड्यूज हो जाएगा और बनाएगा CH3OH मेथिल अल्कोहल और दूसरा करिस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि HCOONA बनाएगा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ लिख दें हम साल्ट साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड ही है सोडियम फार्मेट साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजल्डिहाइड में देखिए कि 2C6H5C OH+NaOH के साथ रिएक्शन करेगा 50% तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा तो एक अल्कोहल बनाएगा एक क्या बनाएगा अल्कोहल बनाएगा तो C6H5CH2OH और दूसरा साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब C6H5COONA बनाएगा अब कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है मैकेनिज्म कैसे रिएक्शन चल रहा है और क्या साल्ट एक्चुअल में साल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं तो इसी को हम पकड़ते हैं इसी से मैकेनिज्म अपना प्रूव करते हैं बेंजल्डिहाइड को कंपाउंड C6H5 थोड़ा ध्यान से देखिएगा C OH बेंजल्डिहाइड है न तो इसमें अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है ही नहीं है प्लस NaOH टूटेगा कि इसमें Na पे प्लस चार्ज और OH पर माइनस चार्ज है मैकेनिज्म है यह बॉन्ड टूटेगा और ऑक्सीजन निगेटिव हो जाएगा और यह कार्बन कार्बोनियल ग्रुप का कार्बन पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा और जब पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा तो यह OH पर माइनस चार्ज इलेक्ट्रोफाइल के समान इस कार्बन पर अटैक कर देगा रिजल्ट क्या मिलेगा हमको C6H5CO पर निगेटिव चार्ज Na पे प्लस चार्ज या Na पे यहाँ पे प्लस चार्ज इसके साथ जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसमें आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा OH और यहाँ हो जाएगा हमारा H पुनः एक मालिक्यूल और रिएक्शन करेगा जो तो C6H5CH OH कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अरे दूसरा एल्डिहाइड का मालिक्यूल एक एल्डिहाइड का मालिक्यूल है अब उसी एल्डिहाइड का दूसरा मालिक्यूल दूसरे मालिक्यूल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड वो टूट गया ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज हो जाएगा और यह कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यह टर्म यह हाइड्रोजन टोटल लेकर के इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन लेकर के इस कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ पे जुटेगा जब जुटेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा जब यह इसके साथ जुटेगा तो पुनः यह डबल बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन अपना दे करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा तो C6H5C OH और यहाँ पर हो जाएगा हमारा OH कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा क्या मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड प्लस दूसरा टर्म क्या आ रहा है यहाँ पे C6H5CH2 हाइड्रोजन इसके साथ जाएगा तो CH2 में चेंज हो जाएगा तो C6H5CH2O पर निगेटिव चार्ज और यह Na पे प्लस चार्ज यहाँ पर आ जाएगा Na पर प्लस चार्ज अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इन दोनों को समझते हैं कि प्रोटॉन ट्रांसफर्स मतलब यह एच कहाँ चला जाएगा यहाँ पे आ जाएगा और Na कहाँ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर में लिखेंगे तो C6H5C OONA निगेटिव चार्ज प्लस चार्ज
मतलब यह टर्म इसमें चेंज जाएगा और इसका एच जब यहाँ पे जाएगा तो C6H5CH2OH हो जाएगा। एक अल्कोहल हो गया और दूसरा साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। तो यह कैनिजारो रिएक्शन का जो है मैकेनिज्म है और कैनिजारो रिएक्शन का यह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या बोलता है, कैसल्ट है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो तो सेल्फ उनका मालिक्यूल सेल्फ एक ऑक्सीडाइज होगा, सेल्फ रिड्यूज होगा, ऑक्सीडाइज होकर के वह साल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड और रिड्यूज होकर के करिस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। यह तभी लागू होगा जब एक ऐसा एल्डिहाइड जिसमें कोई भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन्स ना हो। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल्सो।